यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कंट्रोल में नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। तो देश की आवाज में आपसे ही जुड़ा एक मुद्दा हम लेकर आए हैं, आपकी सुरक्षा की आज बात करेंगे। एक और हरियाणा पुलिस सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर नकेल कसने का दम भरती है, काम भी करती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो की कई सवाल खड़े करती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबरें अभी तक ने पहले भी इन तस्वीरों को आपको दिखाया, लेकिन आपकी राय क्या है इन तस्वीरों को देखकर वो आप हमें बता सकते हैं। तो पीसीआर वैन को मैखाना बनाया गया है। शराबी पुलिस की ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और पुलिस हरियाणा है ये। तो हरियाणा की पुलिस कितनी गंभीर है आपकी सुरक्षा को लेकर इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हिसार के बालसमंद रोड पर पीसीआर नंबर 4 का ये स्टाफ आपको नजर आ रहा है। ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी के पास भी भेज दी गई है और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीसीआर वैन पर शराब की बोतलें रखी हैं। शराब के पास खाने के लिए चखना भी सजाया गया है और ये वही पुलिस है जो कि रात को सड़कों पर शराब पीने वालों पर नकेल कसने का काम करती है, जो कि इनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और खुद रात के समय पीसीआर वैन में कैसे महफिलें सजती हैं वो आप देख सकते हैं। और देश की आवाज में आज देश प्रदेश की सुरक्षा करने वाली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तस्वीर ही ऐसी ये सामने आई है। तो देश की आवाज के आज के सवालों की हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ सवाल रखेंगे जिनके जवाब आप दे सकते हैं, उन पर राय दे सकते हैं। तो हरियाणा की शराबी पुलिस की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिसार से ये तस्वीरें सामने आई है। रात को सुरक्षा में तैनात ये पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, खुद ही शराब पीने में जुटे हैं। और हरियाणा पुलिस अगर ऐसी है तो जनता सुरक्षा की कितनी उम्मीदें करे और जनता कितनी सुरक्षित होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप जवाब दे सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। तो ये नशेड़ी जो पुलिस है उस पर आप क्या कहेंगे, ये हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। तो लगातार हमारा फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, फटाफट फ़ोन उठाइए और बताइए क्या कुछ सोचते हैं खाकी को लेकर, खाकी की जिम्मेदारी को लेकर। और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ही अगर इस तरह से खुलेआम शराब पिएंगे तो कितनी उम्मीदें की जाए कि पीसीआर को अगर बुलाया जाए, अगर पुलिस को बुलाया जाए, फोन किया जाए रात को, सुरक्षा को लेकर इनसे उम्मीद की जाए तो कितना उम्मीदों पर ये लोग खरा उतरेंगे। आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। सुरेंद्र है हमारे साथ, मुंबई से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेंद्र, क्या राय है आपके? हाँ मैडम, हरियाणा में माननीय श्री खट्टर जी की सरकार है और वहाँ पुलिस व्यवस्था इतनी चरमरा गई है और वहाँ प्रशासन इतना ढिलमुल रवैया अपनाता है कि ऐसे पुलिस वालों को जो कि इतने ड्यूटी पे और संगीन जगह रखते हैं। हाँ। मेरा उनकी सरकार से ये सवाल है कि ऐसे ही पुलिस हरियाणा की और उनकी जनता की रक्षा करेगी? बिल्कुल। अगर नहीं तो ऐसे पुलिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सस्पेंडेड नहीं, उनको तुरंत घर पे भेजने का ही काम करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद वाजिब है ये सवाल अपने आप में जो कि सुरेंद्र की ओर से पूछा गया कि मनोहर सरकार खुद ये सोचे, खुद ये समझे, क्या ऐसे ही आपके राज्य पुलिस लोगों को सुरक्षा देगी, सुरक्षा देने में कामयाब रहेगी? और क्या ऐसे पुलिस वालों से उम्मीद की जाए कि सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर वो हैं? ड्यूटी पर तैनात हैं लेकिन ड्यूटी किया जाना जरूरी नहीं समझा जाता। पीसीआर वैन पे ही महफिलें सजाई जाती हैं, मैखाना बना दिया जाता है। आपको कितनी उम्मीदें हैं राज्य पुलिस से, इस बात का जवाब दे सकते हैं, आप राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर। किस तरह की कार्रवाई इस तरह के पुलिसकर्मियों पर की जानी चाहिए, आप इस बात का जवाब भी हमें दे सकते हैं फोन लाइन के जरिए। जयपाल हैं अगले दर्शक, गोहाना से फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयपाल, क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, इनसे तो कोई कार्रवाई वगैरह होनी नहीं, ये सब ढोंग की बातें कर रहे हैं। और शाम को दूर दराज के जितने भी थाने हैं सब बार के अंदर तब्दील हो जाते हैं, सब थानों के अंदर सरेआम दारू पी जाती है जी। तो ये सब ढोंग की बातें कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ। बाकी ये है कि कोई इनके ऊपर जांच करने वाला कोई नहीं जी। बात ये, अगर कोई जांच करने वाला हो तो ऐसा नहीं हो। ठीक है। और मैं कहता हूँ जितने भी रेलवे थाने हैं, शहर के थाने हैं, सब शाम को दारू के अंदर तब्दील होते हैं दूर दराज के। उनको पता किसी ने आना नहीं, कोई अधिकारी कार्रवाई करेगा नहीं। हाँ। तो बेखौफ पुलिस है हमारी,
कोई वास्तव में कोई कार्रवाई होती है नहीं इनको। जी जी बेहद शुक्रिया जयपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिसकर्मी अगर इस कार्यक्रम को देख पा रखे हैं, बेहद गंभीर है इस बात का कहा जाना कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जितने भी पुलिस थाने हैं वो मैखानों में तब्दील हो जाते हैं जैसे जैसे दिन ढलता है। आरके कालिया हैं हमारे दर्शक, अंबाला से फोन लाइन पर जुड़े हैं। कालिया साहब आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 90% तो हमारे राजनेता ऐसे हैं जो हमारे पैरोकार हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जथा राजा तथा प्रजा। और ये पुलिस का देखिए डिपार्टमेंट हमारी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है जी। तो इनका ये रवैया है, देखिए रक्षक भक्षक बना हुआ है, लॉ मेकर लॉ ब्रेकर बना हुआ है जी। पहली बात तो ये इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, ताकि दूसरे कर्मचारियों को सीख मिले, दूसरे कर्मचारियों को सबक मिले। ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, जहां तक पुलिस कर्मियों की बात है, पुलिस ये कर्मचारियों की बात है, अगर इनकी ड्यूटी लंबी है, मैं मानता हूं अगर इनकी ड्यूटी लंबी है मैं मानता हूं, तो इनको विरोध करना चाहिए, उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। ये जो इनका रवैया ये बड़ा एक निंदनीय रवैया है, निंदनीय रवैया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यनारायण है अगले दर्शक, जीन से फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपकी क्या राय है इस मसले पर? मैडम जी, इन पुलिस वालों को डिसमिस कर देना चाहिए ताकि दूसरे पुलिस वालों को सबक मिले जी। नो एक्शन, नो तहकीकात, नो वो डिसमिस, ओनली एक्शन एट दिस कोर्ट, बिकॉज देयर सीसीटीवी आर विजिबल, देयर क्लियर एविडेंस। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियर एविडेंस देखे जा सकते हैं, सीधे एक्शन लिया जाना चाहिए, जांच की भी कोई दरकार नहीं है। ये सत्यनारायण को लगता है, आपको क्या लगता है आप फोन करके हमें बता सकते हैं। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जगबीर मलिक हैं फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका, राय दीजिए। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आपने जो मुद्दा उठाया है, देखिए बहुत गंभीर मसला है वैसे तो, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि फोर्सेस जो हरियाणा पुलिस है, कहीं भी है, आजकल फोर्सेस इतने ड्यूटी के दबाव में है कि उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता है। तो रिलैक्स के लिए जो है समय दिया जाना चाहिए, लेकिन फोर्स के लिए ये जरूरी है कि उनको अनुशासन में रहते हुए, जब तक वो ड्रेस में है, इन ऑन ड्यूटी है, तो इस प्रकार की किसी पर मतलब उससे बचना चाहिए, क्योंकि ऑन ड्यूटी इन ड्रेस ड्रिंक की गणना आपको पता है कानून के खिलाफ है। बहुत ही गलत बात है, तो ये दूसरों के सामने जो आम सिविलियन है उनके सामने गलत मैसेज जाता है कि जो फोर्स वाले जो रोकने वाले हैं वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें जी। तो आम पब्लिक प्लेस के ऊपर और विशेषकर इस प्रकार से जब ड्यूटी पर होते हैं, इस प्रकार की उससे बचना चाहिए। ठीक है, अनुशासन का पालन करना। जी जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय देने के लिए। तो आपकी राय बेहद गंभीर है इस मसले पर, क्योंकि सीधे तौर पर आपसे जुड़ा ये मुद्दा है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि सुरक्षा की जब जब बात होगी तो उम्मीदों के लिए सिर्फ पुलिस है और राज्य पुलिस पर विश्वास भी घटा है। एक बड़ा फैक्टर ये है कि जितने भी बड़े मामले सामने आते हैं ज्यादातर मामलों में सीबीआई जांच करे, ये मांग की जाती है। राज्य पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। अनिल है पानीपत से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं, अनिल आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये पुलिस जनता की कैसे सेवा करेगी, तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, कार्रवाई की जाए, गाड़ी चलाएंगे तो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ दर्शकों को लगता है कि ये डिसमिस कर दिए जाएं, कुछ को लगता है कि सस्पेंड कर दिए जाएं, कि आप दूसरे लोगों को क्या संदेश दे रखे हैं, बाकी पुलिसकर्मियों के लिए क्या वानगी ये पेश कर रखे हैं कि आप ड्यूटी पर तैनात रहकर पीसीआर वैन के पास खड़े रहकर पीसीआर वैन को ही मैखाना बनाकर किस तरह से शराब पी जा रही है, ये कई सवाल खड़े करती है। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, राय क्या है आपके?
हाँ जी नमस्कार मैम जी। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के ISBT से आ रही थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पुलिस कर्मी है जो झुंड में बैठ करके आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे और वहाँ पे जो कुछ लड़के हैं बाइक पे स्कूटी पे ऐसे घूम रहे थे। लड़कियाँ बिल्कुल अनसेफ है, लड़कियाँ क्या मतलब कोई भी पर्सन है वहाँ पे अनसेफ है क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रही है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेंद्रगढ़ से नाम न बताने की शर्त पर ये बात कही गई है। तो लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं और पुलिस से कितनी उम्मीदें हैं ये अभी एक दर्शक ने बताया कि दिल्ली ISBT पर किस तरह से लड़के लड़कियों का मजाक बनाया जा रहा था और लड़कियों के लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल थी लेकिन पुलिस वही सामने थी। पुलिस किसी तरह की दखलंदाजी करना या लड़कों को रोकना जरूरी कतई नहीं समझती। तो आप कितने सुरक्षित हैं या फिर आपकी बेटियां कितने सुरक्षित हैं अगर रात को सड़कों पर हैं या आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस PCR को फ़ोन करके आप बुलाने की कोशिश करेंगे उसी PCR को मैखाना बनाया गया है। बालसमंद के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार ज़िले से। तो पुलिसकर्मी ये तैनात हैं ड्यूटी पर लेकिन ड्यूटी करने के बजाय शराब पी जा रखी है और किसी तरह का खौफ नहीं है कि आप ड्यूटी पर हैं, आपने खाकी पहनी है, आपसे सवाल किए जा सकते हैं और ये वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया। मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं मनीषा चौधरी उनके पास ये वीडियो भेजा जा चुका है लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। तो पुलिस कर्मियों की गलती नहीं, इसे गुनाह ही कहा जाएगा कि ड्यूटी पर अगर आप हैं और उस तरह से शराब पीकर बाकी शराबियों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी खाकी की है। क्या संदेश आप दे रहे हैं, कितने गंभीर आप हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ये वीडियो सामने आने के बाद, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जयसिंह है हमारे साथ, तोशाम से फोन लाइन पर है हमारे दर्शक, क्या कहेंगे जयसिंह? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, ऐसा है खट्टर सरकार इनको निकाल तो देगी जी, कार्य तो गलत है इनका लेकिन भर्ती नहीं करेगी तो निकाल के मतलब फिर क्या फायदा होगा जी, है तो नुकसान जी। हाँ जी यही कहना है जी। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी बात है कि हरियाणा जब से बना और जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए हरियाणा की आवाम की सुरक्षा के लिए अभी तक वो आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। पुलिसकर्मियों की लगातार कमी है। 2 से 3 दर्शकों की ओर से ये भी कहा गया कि इन पर बर्डन ही इतना है, दबाव ही इतना है काम का कि पुलिसकर्मियों को कुछ कहा जाए वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है लेकिन फिर भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, महिमा मंडित नहीं किया जा सकता ड्यूटी पर रहकर शराब पिए जाने को लेकर। तो राज्य पुलिस से विश्वास भी घटा है और राज्य पुलिस गंभीर कितनी है वो इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है। किस तरह से बेखौफ ये खाकीधारी पुलिसकर्मी किस तरह से शराब पी रहे हैं, बाकी लोगों को किस तरह से रोकेंगे और रोकने के लिए गंभीर कितना है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लक्ष्मण सिंह है हमारे दर्शक, बल्लभगढ़ से फोन लाइन पर हैं, आपकी राय क्या है? सर मेरी राय ये है जी पुलिस वाले इनको थोड़ी सख्ती से ले आ जाए जी और इनको दोनों पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। हाँ जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लक्ष्मण सिंह को लगता है कि दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाए लेकिन अभी तक जबकि पुलिस अधीक्षक के पास ये वीडियो जा चुका है, खबरें अभी तक लगातार इस खबर को आपको दिखा रहा है, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने पेश की जा रही हैं, उसके बाद भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, किस बात का इंतजार है ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप जवाब दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। देवेंद्र है हमारे दर्शक सोनीपत से फोन लाइन पर जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। देवेंद्र सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी दर्शकों से अपील ये है कि जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं आप टीवी की आवाज़ को कम रखें, अपना जवाब जितना जल्दी हो सके, राय जितनी जल्दी हो सके वो पेश करें, हमसे साझा करें। तो हिसार का ये मामला है, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके बाद खबरें अभी तक भी आपको लगातार दिखा रहा है और मामले में खास बात ये है, एक बार फिर से दोहरा दें कि पुलिस अधीक्षक के पास भी ये वीडियो जो है व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा चुका है, उसके बाद भी इन पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया है। PCR पर तैनात पुलिसकर्मी अगर शराब पियेंगे तो ड्यूटी कौन निभाएगा और आम जो जनता है उसकी सुरक्षा कौन देगा? साथ ही जो शराब पीकर खुद ही गाड़ी चलाते हैं, आम पब्लिक जो है जो नियमों को तोड़ते हैं
रखें, उन नियमों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, उसकी पालना कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। आप जवाब दे सकते हैं, आप राय दे सकते हैं इस तरह के पुलिसकर्मियों पर क्या एक्शन लिया जाए कि बाकी ये संदेश जाए कि अगर आप इस तरह से कोताही अपनी ड्यूटी में बरतेंगे, आप खुद ही नियमों को तोड़ेंगे तो आप पे एक्शन भी लिया जाएगा और तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा कि आगे इस तरह के मामले, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। तो लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा जा रहा है, आप फटाफट फोन उठाइए और बताइए कि क्या सोचते हैं इन तस्वीरों पर, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। अशोक कुमार हैं हमारे साथ कालावली से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। नमस्कार। देखो ये तो वो मुद्दा है जो पकड़ में आ गया है। हाँ। ठीक है जी, जो पकड़ में नहीं आते उनका क्या होता होगा? बिल्कुल। बाकी ये क्या क्या नहीं करते होंगे, शाम को थानों के अंदर दूर दराज से बेकसूर आदमी पकड़ के ले आते हैं, उनको डराते हैं, तेरे को पैसे डाल देंगे, अफीम डाल देंगे, पिस्तौल डाल देंगे, उनसे पैसा छीन लेते हैं, ऐसी हरकतें होती हैं। इनको देखने वाला कोई भी नहीं, इनके नकेल कसने वाला कोई नहीं, इनको पता कि हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, हमारे ऊपर हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, इनको बिल्कुल देखो बेडर लोग हैं, बिल्कुल बेडर लोग हैं, इनके ऊपर कोई डर होना चाहिए, डर बिठाना चाहिए सरकार को ताकि ऐसा ना करे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनकी भी मॉनिटरिंग की जाए, इनके जहन में भी ये हो कि आप गलत करेंगे, आप खुद कानून के रखवाले हैं, अगर कानून को तोड़ेंगे, ड्यूटी में कोताही बरतेंगे तो आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन एक्शन बहुत कम लिया जाता है और यही कारण है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं। और एक दर्शक ने अभी अभी कहा कि ये सिर्फ एक मामला है जो कि सामने आ गया, जिसको लेकर आपकी राय भी हम ले रहे हैं, जिस पर चर्चा भी कर रहे हैं और शायद इस मामले में अब कार्रवाई भी की जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि सामने नहीं आते हैं और बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी जरूर होंगे जो कि इस तरह ड्यूटी पर रहकर शराब पीते हैं, खुद नियमों को तोड़ते हैं और गंभीर नहीं हैं अपनी ड्यूटी को लेकर। तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा, ये एक सवाल है। रोहित हैं हमारे दर्शक सिरसा से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, रोहित आपकी क्या राय है? मैडम आप सिर्फ पुलिस वालों की बात कर रहे हो, हॉस्पिटलों में यही हाल होता है, रात को कभी हॉस्पिटल में जाओ वो डॉक्टर खुद शराब पीते हैं। हाँ। हमारा सारा सिस्टम ही खराब है जी। उन पे भी करो ना कार्रवाई आप। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको याद होगा कि पंचकुला के एक अस्पताल में डॉक्टर ने शराब पी थी, खबरें अभी तक ने बड़ी प्रमुखता के साथ उस खबर को उठाया था और दर्शकों को जानकारी भी है, एक बार फिर से बता दें उस डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से निलंबित किया जा चुका है। तो खबरें अभी तक लगातार वो खबरें दिखाता है जो आपके सरोकार, आपसे सरोकार रखती है, आपसे जुड़ी है, और साथ ही ड्यूटी में कोताही बरतने वाले तमाम कर्मचारियों की खबरें हम दिखाते हैं जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, आप पुलिसकर्मियों की एक खबर सामने आई है। तो खबरें अभी तक लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और आम जनता क्या सोचती है वो जानने की कोशिशें कर रहा है देश की आवाज के जरिए। कैथल से नायब सिंह हैं हमारे नियमित दर्शक, फोन लाइन पर जुड़े हैं, नायब सिंह आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है बहन जी, भाई सरकार का खौफ भी नहीं रहा कर्मचारी को, जैसे आपकी एड लाइन में चल रहे अभी पंचकुला में एचएस को ही छेड़ दिया। हाँ। तो पुलिस वाले की दुकान थी क्या, जब ऐसा कर्मचारी को लेडीज को छेड़ दिया गया तो सरकार का खौफ कहाँ, कानून कहाँ रह गया जी। और ये जो वीडियो है ये शर्मनाक है, इनको योगा की जरूरत है। हाँ। जो रामदेव जी है उन्होंने योगा लाना चाहिए पुलिस लाइन में आके, ताकि इनका मन शांत हो और सद्बुद्धि दे रहा हम इनको। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं सिरसा से, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे। हेलो जी, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे। पिंका शर्मा मैडम सिरसा से। जी बताइए मैडम, ऐसे हैं जो पुलिस वाले शराब पी रहे हैं, इनकी ड्यूटी इतनी होती है बेचारे रात में शराब पी के ड्यूटी करेंगे। पिंका शर्मा जी, आपको लगता है कि आपको, आपके परिवार को, अगर आपकी बेटियां हैं उनको सुरक्षा मिल पाएगी अगर आप जस्टिफाई कर देंगे कि शराब पीकर ही ड्यूटी की जाएगी? वो तो मैडम इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आगे से कोई भी नहीं ऐसे करेगा जी। इनकी ड्यूटी भी कम होना, इनकी ड्यूटी कम की जाए। हाँ, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, भर्ती करें। और ऐसे थोड़ी है, ये सारा सिस्टम ही काम गलत किया है इन्होंने तो। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब
तीन से चार दर्शक वो हो चुके हैं जिनकी राय ये है कि इनकी ड्यूटी को कम किया जाए। हालांकि साप्ताहिक अवकाश की बात जरूर निकलकर सामने आई थी पुलिसकर्मियों के लिए, लेकिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ही अपने आप में इतनी ज्यादा हो जाती है, जो कि दर्शकों को लगता है कि अगर शराब वो पीते हैं तो सरकार भी इस बात पर ध्यान दे कि उनको भी थोड़ी राहत दी जाए, काम के जो घंटे हैं, जो ड्यूटी का समय है उसमें थोड़ी कटौती की जाए। तो ये तस्वीरें हिसार के बालसमंद से आपको दिखा रखी है। पीसीआर वैन है ये, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी है और शराब की बोतलें रखी गई हैं, शराब पी जा रखी है, वीडियो बनाया गया, वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हरियाणा की जनता को सुरक्षा मिल पाएगी? अगर रात को सुरक्षा देना, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसको रोकना, क्राइम ना हो उस पर अंकुश लगाना, और पीसीआर वैन को जब भी फोन किया जाए तो मौके पर पहुंचना, क्या ये तमाम ड्यूटी कर पाएंगे ये पुलिसकर्मी अगर ये खुद इस तरह से शराब पिएंगे, और क्या उम्मीदें की जाए फिर इनसे? और क्या ये भी एक कारण है कि हरियाणा पुलिस की छवि पर बहुत बार दाग भी लगते हैं और सवाल भी उठते हैं हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर? रुपेश है हमारे साथ, दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, इनको सस्पेंड करो, सस्पेंड करने के बाद जो इनके कोर्ट में केस होगा वहां से इनको पूरा निकाल दो और भर्तियां करो। ये साले 2-2 रुपए के लिए भागते रहते हैं, इनको रिश्वत दे दो, मैं इनकी रिश्वत लेके दिखा दूंगा इनसे, ये रिश्वत लेते हैं जी। ये वो सारी सरकार की खामियां है, ये जो भ्रष्ट लगा रखे हैं, पैसे ले लेके भ्रष्ट लगा रखे हैं, ये साले दारू पिएंगे और क्या करेंगे यही जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिश्वत भी पुलिसकर्मी लेते हैं, हालांकि रिक्वेस्ट है आपसे जब भी आप टीवी पर किसी भी कार्यक्रम में जुड़े शब्दों की और भाषा की मर्यादा को जहन में रखें। तो लगातार दर्शकों का यही कहना है कि एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, किसी का कहना है कि डिसमिस कर दिए जाए, तो किसी की राय ये भी है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, बाकी जो पुलिसकर्मी हैं, बाकी जो पब्लिक है उसमें कड़ा ये संदेश दिया जाए कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर ड्यूटी पर कोताही बरतेंगे उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, जिस काम को रोकने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है वही काम आप करेंगे, कानून के रखवाले हैं और कानून की धज्जियां अगर उड़ाएंगे तो विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। हिसार से तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं और खास बात यह है, एक बार फिर से बता दें, पुलिस अधीक्षक के पास भी ये वीडियो जा चुका है, उसके बाद भी इंतजार क्यों है एक्शन लिए जाने में, ये सवाल खबरें अभी तक लगातार पूछ रहा है जिसका जवाब आप दे सकते हैं। और पुलिस से क्या उम्मीदें की जाए, खाकी से क्या उम्मीदें की जाए अगर कानून को इस तरह से धत्ता बताया जाएगा खुद कानून के रखवालों की ओर से? कुलबीर है हमारे साथ परवाणु से फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमारी सही राय है जी, अभी तो पैसे लगा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये वसूली करेंगे ट्रकों वालों से जी। ये जी हाँ जी, हम भी ट्रक चलाते हैं जी, ये दारू पी के फिर वसूली करते हैं जी ये। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुलबीर को लगता है कि ये तो शुरुआत है, ये शराब पियेंगे फिर वसूली की जाएगी, और इस तरह की घटनाओं पर विराम लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, जब तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो कम से कम एक्शन लिए जाने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।